रहता था। वो हमेशा मोटापे से परेशान रहा करता था। दूसरे जानवरों को देखकर बोलता, काश मैं भी इनकी तरह दिखता, पेड़ों में चढ़ता, नदी में तैरता, काफी दूर दूर तक दौड़ पाता, लेकिन मैं तो बहुत मोटा हूँ, क्या करूँ। एक चीता ने देखा भालू जंगल में परेशान था और अपने दोस्त पिंकी, किट्टी, एनुरा, गिल्लू इन सभी का इंतजार कर रहा था। चीता बोला, भाई तुम परेशान क्यों हो। भालू बोला, ना मैं तुम्हारी तरह दौड़ पाता हूँ, ना ढंग से चल पाता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल भी नहीं पाता। सभी दोस्त पास में आए। पिंकी बोली, दोस्त चिंता मत करो, तुम खाना कम खाया करो, दिन भर खाते ही रहते हो। तभी भालू की नजर लंबी लंबी बांस के पत्तों पर पड़ी, उन्हें खाने के लिए उछलने लगा और जोर से जमीन में गिर गया। किट्टी बोली, हाँ हाँ भाई, खाते ही रहते हो, हमारे साथ कैसे खेल पाओगे। तभी मगरमच्छ और भेड़िया उन पर हमला करने लगे। सभी घबराकर भागने लगे। भालू चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझसे भागा नहीं जाता। सभी दोस्त उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। गिल्लू और एनुरा मगरमच्छ को परेशान करते। पिंकी, किट्टी और चीता भेड़िया को जंगल से भगा देते। तभी भालू बोला, दोस्तों मेरी मदद के लिए शुक्रिया, तुम नहीं होते तो मुझे दोनों मिलकर खा ही जाते। सभी साथ मिलकर जंगल में खुशी खुशी खेलने लगे।